अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ गाजियाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी शिक्षाविद धर्मेंद्र भारद्वाज ने आज पूरे लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक अमित अग्रवाल, दिनेश खट्टिक और सोमेंद्र तोमर वे भाजपा संगठन पूरी तरह से धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ खड़ा नजर आया। इस मौके पर धर्मेंद्र भारद्वाज ने यह कहा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी, प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, हमारे सह संगठन मंत्री करमवीर जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और इस भरोसे को मैं कायम रखूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जिन सिद्धांतों पे कार्य कर रही है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी आपने देख लिया, अभी विपक्ष ने बुलडोजर का मामला चलाया कि बुलडोजर चलाते हैं, तो उस बुलडोजर ने ही दूसरी पार्टी पर बुलडोजर चला दिया। मैं आप लोगों से यही एक वादा करता हूं, जनता से ये वादा करता हूं कि मैं विधान परिषद सदस्य पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के अनुसार कार्य करूंगा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा में कार्य करूंगा, उनके सिद्धांतों पे, उनके आदर्श पे चलने का प्रयास करूंगा। हमारे मेरठ और गाज़ियाबाद से चार ज़िले हैं इसमें और चार ज़िलों में हमारे सबसे ज़्यादा विधायक जीत के आए हैं और जो ये दो तीन विधायक हमारे अगर रह भी गए हैं तो वो भी बहुत सूक्ष्म अंतर से रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमारे सामने कोई विपक्ष में इसमें टिक भी पाएगा। मुझे लगता नहीं कि वो 200-400 वोट भी ले पाएंगे, क्योंकि हमारे विधायक, हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन घर घर में है। और आज की तारीख में तो आपको पता है कि आज हमारा देश नहीं, हमारा विश्व भी माननीय मोदी जी को याद कर रहा है। आपने यूक्रेन में देखा, सारा विश्व ने देखा, ब्रह्मांड ने देखा कि कैसे भारतीय छात्रों को निकाला गया जबकि वहाँ पर कितनी गोलाबारी और युद्ध का माहौल था। तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी हमारे सामने टिक पाएगी, कोई प्रत्याशी हमारे सामने टिक पाएगा। कि हमारा चार जिलों का चुनाव है, हमारे इन चार जिलों में तीन सांसद आते हैं, तीनों सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और दोनों सांसद जी आने थे लेकिन पार्लियामेंट चल रही है। भाई साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी, भाई साहब ने पार्लियामेंट छोड़ी, नॉमिनेशन कराना है, इनका आशीर्वाद मुझे पूरा प्राप्त है। दूसरी बात, मेरे ज़िले के जिलाध्यक्ष और चारों ज़िले के जिलाध्यक्ष आज पूरे नॉमिनेशन में रहे और हमारे समाज के प्रोधा विमल शर्मा जी मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 9 के 9 ज़िलों में हमारे सारे प्रमुख हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक हैं, तो हमें क्या परेशानी आएगी। और फिर जनता का चुनाव है, जनता ने अभी दिखा दिया 2 महीने पहले बुलडोजर कैसे चलता है, बुलडोजर ने चला दिया, 375 सीट दे दी आपके सामने। उधर मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी ने यह जानकारी दी। आज MLC चुनाव का नॉमिनेशन का लास्ट डे है, इसके बाद स्क्रूटनी और विथड्रॉल की स्टेज शुरू होगा और इसमें 4 जनपदें हैं, मेरठ है, बागपत, हापुड़ और गाज़ियाबाद है। कुल मिला के 43 बूथ्स हैं और कुल मतदाता लगभग 4,250 के आसपास रहेंगे, जिसमें सारे प्रधान, BDC के सदस्य, पार्षद और जनप्रतिनिधिगण इसमें मतदाता होते हैं। 43 बूथ्स में इसका मतदान होगा और नॉमिनेशन में अब तक आज काफ़ी संख्या में लोग नॉमिनेशन करने का हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई है और मैजिस्ट्रेट्स भी लोगों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तैनाती की गई है। कोविड गाइडलाइंस को लेकर विधानसभा चुनाव में आयोग ने जो निर्देश जारी किए थे वो यथावत रहेगी। गाड़ियों की संख्या और जो प्रत्याशियों के साथ जो आते हैं, लोग आते हैं, उसके संख्या में भी काफी कमी की गई है, उसी के अनुसार होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार।